सुंदरनगर के पुराना बाजार में आधी रात को शरारती तत्वों ने करीब एक दर्जन कारों के शीशे तोड़ डाले हैं। सुबह के समय सैर को निकले स्थानीय लोगों ने एक के बाद एक कारों के टूटे हुए शीशे देखे तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद जांच शुरू की। इस घटनाक्रम से लोगों में भारी रोष है। सुंदरनगर में पिछले कुछ समय से शरारती तत्वों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस के तमाम दावों के बावजूद तोड़फोड़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है। ताजा घटना में सुंदरनगर की बीएसएल कॉलोनी थाना से मात्र 200 मीटर दूरी पर शरारती तत्वों ने तकरीबन एक दर्जन वाहनों के शीशे तोड़ डाले। इनमें एक क्रूज, दो स्विफ्ट, मारुति 800, मारुति वैन, i20, इंडिगो आदि वाहन शामिल है। इस वारदात को देर रात को अंजाम दिया गया। इन वाहनों को स्वार मोहल्ला व पुराना बाजार रोड पर तोड़ा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना का पता उन्हें सुबह ही चला है, जिस पर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर लोगों के बयान कलमबद्ध कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। 12 गाड़ियों को स्वार मोहल्ला और पुराना बाजार मोहल्ले में रोड से बैक के शीशे तोड़े गए और नुकसान पहुंचाया गया। ब्राय मेहरबानी पुलिस वाले गश्त बढ़ाए और प्रशासन जो इसके ऊपर कार्रवाई करे और कैमरे वगैरह लगाए जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बता दें कि पहले भी सुंदरनगर के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की विभिन्न घटनाएं घट चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ अधिकतर मामलों में खाली रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने रात्रि गश्त बढ़ाने के साथ शरारती तत्वों को पकड़ने की मांग की है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।